not what happens to you, but how you react to it that matters. So getting into nursery is a very interesting story. नाइन्थ क्लास से सोचा हुआ था कि भाई इंजीनियरिंग करनी है और इंजीनियरिंग में सब स्कूल्स में मेरिट बन भी गया, लेकिन आई एंडेड अप इन बिजनेस स्कूल बिकॉज फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस था. सो आई थॉट कि मुझ में भी वो बिजनेस वाले जर्म्स होंगे. सो यूँ शुरू हुआ नर्स का सफ़र. फर्स्ट सेमेस्टर की फीस चीज़ पे की और बोरिया बिस्तरा उठा के आगे इधर राजी हॉस्टल. सो मेरी ओरिएंटेशन का फर्स्ट डे था और डिस्पाइट बीइंग इन इस्लामाबाद बाबा नहीं आए. बहुत शॉकिंग था मेरे लिए क्योंकि बाबा ने कभी मेरे एजुकेशन इवेंट्स को मिस नहीं किया. एंड आफ्टर टू मंथ्स आई गॉट टू नो के ही वॉज डायग्नोज विद लिवर कैंसर और ओरिएंटेशन वाले दिन उनकी फर्स्ट माइनर सर्जरी थी. बहुत डिस्टर्बिंग न्यूज़ थी मेरे लिए. घर का बड़ा बेटा था, सबसे ज़्यादा टेंशन थी भी मुझे कि अब क्या होगा. बाबा की हेल्थ की टेंशन थी एक तरफ, फिर थिंग्स स्टार्टेड टू गेट चेंज फाइनेंशियली बिकॉज ऑब्वियसली बाबा की सेहत इजाज़त नहीं देती थी कि वो उतना काम कर सकें. अब तो कुछ महीने बाद ही सेकेंड सेमेस्टर की फ़ी आ गई और अब मैं सोच रहा हूँ कि 1.25 लाख का वाउचर किस मुँह से जाके दिखाऊँ उन्हें. Then I got to know about the scholarship program of NERST. I've applied for it and alhamdulillah mujhe scholarship mil gayi. NERST has been very kind to me in this, that's why I'm here today. Then I decided ki jo mujhe scholarship mili hai aur jo opportunity mili hai isko maine agle 4 saalon mein achhi tarah se avail karna hai. I started putting hard work in all fields of life aur alhamdulillah uske baad ek ke baad ek cheez achieve hoti gayi. Sabse pehle mujhe 4 GPA scholarship bhi mil gaya. Then क्रिकेट मेरा पैशन था, रोज़ के 2-3 घंटे इन्वेस्ट करने ग्राउंड में जाके. एंड आफ्टर डेडिकेशन ऑफ 3 ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह आई एम टुडे द कैप्टन ऑफ नर्स क्रिकेट टीम. और देन सोसाइटीज़ में भी इन था. और मेजर ब्रेक थ्रू तब मिला जब आई डिसाइडेड टू ऑप्ट आउट ऑफ दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम. और साथ ही साथ मैं कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा था. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा ताल्लुक एक बिज़नेस फैमिली से है, तो मुझ में वो बिज़नेस वाले जम्स हमेशा से ही थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि किस चीज़ का बिज़नेस स्टार्ट करूं. देन वन डे मैंने अपने किसी अजीज़ के लिए एक कस्टमाइज्ड लैंप ऑर्डर किया, लेकिन वो बहुत ही पुअर क्वालिटी में आया और एक दिन चलने के बाद वो ख़राब हो गया. तो वहाँ से मुझे आइडिया आया कि मार्केट में ये गैप एग्जिस्ट करता है कि जो कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स हैं उनकी जो क्वालिटी प्रॉमिस की जाती है वो इन एक्चुअल प्रोवाइड नहीं की जाती. मैंने सोचा कि यही मेरा बिज़नेस आइडिया है. और देन आई केम अप विद माई ओन कस्टमाइज गिफ्ट स्टोर जहाँ पे हम क्वालिटी कस्टमाइज गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं. स्टार्टेड ऑफ विद 0 इन्वेस्टमेंट, बिजनेस वाज परफॉर्मिंग वेरी वेल. आई वाज इन माय 6th सेमेस्टर और देन आई थॉट के यार आई डोंट फॉल इन द डिजर्विंग कैटेगरी फॉर अ स्कॉलरशिप एनी मोर. मैंने बाबा से डिस्कस किया और मेरी बात से बहुत ज़्यादा खुश भी हुए और मुझे अप्रिशिएट भी किया उन्होंने. देन वी म्यूचुअली डिसाइडेड के फॉर द रेस्ट ऑफ द सेमेस्टर्स आई विल पे माई ओन फी थ्रू चांद सितारा. वो ईमेल द यूनिवर्सिटी एडवांसमेंट ऑफिस और फिर रेक्टर साहब ने भी मुझे बुलाया, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया इस पर. देखिए बात वही है कि जब मेरा एडमिशन हुआ था नर्स में तो आई वॉज़न डिजर्विंग स्कॉलरशिप, लेकिन जब बाबा को लिवर कैंसर डायग्नोज हुआ तो मुझे स्कॉलरशिप मिली. और अब जब मैं अपना खुद अर्न कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा डिजर्विंग स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो वहाँ वेटिंग लिस्ट में हों स्कॉलरशिप के लिए. देखिए जब आप लाइफ में कनेक्शंस को जोड़ना शुरू करते हैं ना, तो आपको समझ आता है कि जो आपके साथ हुआ वो क्यों हुआ और उसमें आपकी क्या बेहतरी थी. शायद अगर ये मुश्किलें ना आई होती तो मैंने भी इतनी मेहनत ना की होती और वो सब अचीव ना किया होता जो आज मेरे पास है. तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे, बट आपने हिम्मत नहीं हारनी है. एंड इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू, बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स.